गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, आज हम लोग महादेवी वर्मा कृत अमर भारती की एक कहानी है जिसकी उसे पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा जी का जन्म 20 मार्च 1907 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हुई। महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू नामक कहानी को लिखा है। गिल्लू उनकी एक पालतू गिलहरी का नाम था। वैसे तो महादेवी वर्मा जी ने बहुत सारे जानवरों को पालतू बना रखा था, वो बहुत सारे जानवरों को अपने घर में रखी हुई थी, लेकिन गिल्लू उनके कुछ प्रिय जानवरों में से एक थी, जो कि एक छोटी सी गिलहरी थी। और यह उन्हें कैसे मिली थी, एक दिन वह सवेरे जब कमरे में बरामदे में आती है तो देखती है कि दो कौवे गमले के चारों तरफ चोंच से ठोकर मार रहे हैं और एक दूसरे से ऐसे कर रहे जैसे वो छुआ छुआ बैल खेल रहे हैं। उसके बाद वो देखती हैं कि यह पक्षी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनकी देखती है कि गमले और दीवार के बीच की जो थोड़ी सी जगह है वहाँ एक छोटा सा जीव निकट जाके देखा तो वह एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा था, जिसे कौवे ठोकर मार मार के अपना खाना बनाने की फिराक में थे। अब महादेवी वर्मा उस गिल्लू यानी गिलहरी को उठा लेती है। सबने बोला कि कौवे के चोंच के कारण से जो घाव हुए थे जिसके कारण वह इतना छोटा है कि बच नहीं सकता, वह मर जाएगा, लेकिन फिर भी वह उसे अपने कमरे में उठा के लाई, उसकी घावों को रोई से पोछा तथा उस पर पेनिसिलिन का मलहम लगाया और वह बच्चे को रुई की बाती से पतला पतली बत्ती बनाकर उसके मुंह में रुई की बत्ती को दूध में डुबाकर उसके मुंह में छोटी छोटी दूध की बूंदें गिराने लगी ताकि उसका पेट भर जाए। मुंह तो ना खुल सका लेकिन दूध की बूंदें उसके मुंह के दोनों तरफ घुलक गई। कुछ घंटों के उपचार के पश्चात उसके मुंह में एक बूंद दूध टपकाया जा सका। इस बात को 3 दिन हो गए, अब वह कुछ स्वस्थ हो गया और वह महादेवी वर्मा जी के दो नन्हे पंजों को पकड़ के उसकी आंख जो नीले कलर की थी उसकी नीले रंग की आंखों से वह इधर उधर देखने लगा। 3-4 महीने में तो वह स्निग्ध रोए झब्बेदार पूंछ और उसकी आंखें काफी चमकीली और सबको देख के विस्मित करने लगी। वह बहुत सुंदर हो गया और उसकी इसी व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी उसके इसी शारीरिक ढांचे के कारण हम लोग उसे यानी महादेवी वर्मा और सभी लोग उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। और महादेवी वर्मा जी ने फूल रखने के लिए छोटी सी डलिए में रुई बिछाकर उसे खिड़की पे लटका दिया, जो कि गिल्लू का घर बन गया था। गिल्लू 2 वर्षों तक उसी घर में रहा, बस वह उसे हिलाकर झूला झूलता, घर में इधर उधर दौड़ता, पर ना जाने क्यों वह खिड़की से देखता रहता हमेशा। और जब महादेवी वर्मा कुछ करती लिखने बैठती तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वह पर्दे से तेजी से चढ़ता तेजी से ऊपर उतरता और यह तब तक करता रहता जब तक महादेवी वर्मा उसे पकड़ने के लिए न उठ जाती। कभी कभी महादेवी वर्मा गिल्लू को एक लिफाफे के अंदर इस तरह घुसा देती थी कि सिर्फ उसका मुंह बाहर रहता था, बाकी शरीर लिफाफे के अंदर रहता था। और जब भी महादेवी वर्मा काम करती वह मेज के किनारे बैठकर उनके सारे क्रियाकलापों को देखता रहता था। अब प्रथम वसंत आया, गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत। नीम चमेली की गंध उनके कमरे में आने लगी और सब बाहर गिलहरियां जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। अब उन्हें लगा कि गिल्लू को थोड़ा मुक्त करना चाहिए और उन्होंने खिड़की का जो जाली था उसके कोने से कील निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, जिससे ही गिल्लू की बाहर आने जाने लगा। अब आने जाने लगा उसके बाद उनके पास, तो मैंने पहले ही बताया था उनके पास बहुत सारे जानवर थे लेकिन सबसे प्रिय गिल्लू ही था। और जैसे ही गिल्लू आता वह सिर से पैर तक, जैसे ही महादेवी वर्मा काम करके, क्योंकि वह कॉलेज में काम करती थी, जैसे ही महादेवी वर्मा आती वह उनके
चारों तरफ सिर से पैर तक दौड़ने लगता। अब वो गिल्लू खिड़की के कोने खोले जाने के कारण बाहर निकल के बाकी जो गिलहरियाँ थी वो उनका सरदार बन गया था। और बार बार वह क्या करता था कि महादेवी वर्मा का किसी न किसी तरह से ध्यान आकर्षित करता रहता था। महादेवी वर्मा के पास बहुत सारे जानवर थे लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उनके साथ बैठकर खाना खाए। लेकिन गिल्ली तो उनकी थाली के पास आकर उनकी थाली में ही बैठने का प्रयास करता और थाली में ही बैठ कर खाने का कोशिश करता। लेकिन महादेवी वर्मा ने बहुत मुश्किल से उसे थाली के बगल में बैठा कर खिलाने की कोशिश की और वह सीख भी गया। और वह थाली इन महादेवी वर्मा की थाली में से एक एक चावल बड़ी सफाई से चुनकर खाता। एक बार महादेवी वर्मा मोटर यानी कार एक्सीडेंट में घायल हो जाती है और कुछ दिन तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। गिल्लू का सबसे प्रिय खाद्य यानी सबसे उसे बहुत पसंद में क्या था खाने में, काजू पसंद था। तो जो भी आता वह गिल्लू के झूले में काजू रख जाता उसे खाने के लिए। लेकिन महादेवी वर्मा को वह घर में ना देकर काफ़ी बेचैन था और इन दिनों वह अपना प्रिय खाद्य काजू भी न खाता था। और जब महादेवी वर्मा बीमार थी तो वह अपने हाथों से उनके सिर को सहलाता रहता और गर्मियों में तो गिल्लू अपने झूले पर ही रहता और गिल्लू कहीं बाहर भी नहीं जाता था और उनके कमरे में पास रखे सुराही के ऊपर ही लेट जाता जिससे उसे ठंडक मिलती थी। लेकिन सबको पता है कि जो गिल्लू था यानी जो गिलहरी थी उसकी अवधि यानी वह 2 वर्ष से अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकती, वही उनका जीवन काल होता है। तो गिल्लू के भी जीवन यात्रा का अंत आ गया। जिस दिन गिल्लू मरने वाला था उस दिन उसने दिन भर कुछ ना खाया, बाहर भी नहीं गया और रात में वह अपनी ठंडी उंगली महादेवी वर्मा के हाथों से पकड़कर चिपक गया और जब उनके पास ही वह उसकी मृत्यु भी हो जाती है। वह महादेवी वर्मा की उंगली पकड़े पकड़े ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है। उसके पंजे बहुत ज़्यादा ठंडे थे तो महादेवी वर्मा ने हीटर तक जलाया कि क्योंकि गर्मी से उसको कुछ राहत मिले। लेकिन वह उसका अंतिम समय था और वह हमेशा के लिए सो गया। उसके बाद महादेवी वर्मा ने झूला उतार कर रख दिया और खिड़की की जाली भी बंद कर दी। लेकिन कुछ गिल्लियाँ कुछ मतलब गिलहरियाँ उस जाली के पास आकर चिक-चिक करती यानी वह भी गिल्लू को खोजने का प्रयास करती थी और सोनजूही की लता के नीचे ही गिल्लू को समाधि यानी सोनजूही की लता के नीचे उसे दफना दिया गया। और आज भी सोनजूही की लताओं पर जब फूल खिलते हैं तो उन्हें गिल्लू की याद आती और उन्हें संतोष लगता है, उन्हें संतोष देता है कि हाँ गिल्लू को वो हमेशा कभी नहीं भूल सकते। अपनी पाठ्य पुस्तक से तुम लोगों को ये जो मैंने ज्ञानमूलक संक्षिप्त और अति संक्षिप्त प्रश्न दिए उसे अपनी किताब से करना है। थैंक यू क्लास। अब तुम लोग मुझे अपना होमवर्क अगले दिन 1:40 के अंदर नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करोगे।